हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक बोर्ड में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज ब्रेड बॉल्स बनाना सीखते हैं। भाई ब्रेड बॉल्स बता रहे हैं, ब्रेड बॉल नहीं। ब्रेड बॉल्स आलू और ब्रेड से बनती है और ये बहुत ही क्रंची, कुरकुरी और चटपटी होती है। अब आप कहेंगे ये क्रंची और कुरकुरी कैसे होती है, ब्रेड तो कुरकुरी होती नहीं है ना ही आलू। चलिए भाई इसको बनाते हैं और देखते हैं भाई ये कैसे क्रंची होती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं, नोट करते हैं इसके इंग्रीडियंट्स। और हाँ, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। कद्दूकस किया हुआ अदरक आधा टेबल स्पून, नमक 3/4 चम्मच या स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून, जीरा 3/4 चम्मच, उबले हुए 5 मीडियम साइज आलू लिए, इन्हें अच्छी तरह मैश कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप इनको गर्म ही मैश कीजिए। धनिया कटा हुआ 1 कप, मिर्च बारीक कटी हुई 3, मूंगफली दाना 2 चम्मच, पानी 1 कटोरी, चाट मसाला आधा टेबल स्पून, तेल तलने के लिए, और ब्रेड मैंने बड़े साइज़ के लिए लगभग 7 पीसेस, छोटे साइज़ के ब्रेड ना लें। मूंगफली के दाने को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। आप मूंगफली के दाने की जगह बादाम या काजू, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या आप तीनों को ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें चलेगा। मैंने हल्का सा क्रश कर लिया इस तरीके से। चलिए पैन गर्म हो गया, इसमें तेल ऐड कर देते हैं। आप 1.5 चम्मच तेल ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसमें जीरा ऐड कर देते हैं, हरी मिर्च ऐड कर देते हैं, इसको लगभग 10 सेकंड तक सॉटे करते हैं। उसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, उसको भी 10 सेकंड तक सॉटे करेंगे। उसके बाद इसमें आलू ऐड कर देते हैं। ध्यान रखिएगा आलू को एकदम बारीक मैश करिएगा। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। आलू में अगर गुठलियाँ रहेंगी तो ये उतना अच्छा बनेगा नहीं, और जब आप इसको बनाएंगे तो आलू दिक्कत करेगा। इसमें सभी मसाले ऐड कर देते हैं। आप चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। अब इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। मूंगफली सबसे बाद में मूंगफली को डालते हैं, इससे मूंगफली के दाने क्रंची बने रहते हैं। चलिए ये बन के तैयार हो गया। अब इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ी देर। चलिए ब्रेड की साइड को हटा देते हैं। अगर हम ब्रेड की साइड को नहीं हटाएंगे तो इसे पानी में गीला करके अगर हम ब्रेड बॉल्स बनाते हैं तो उतनी अच्छी तरीके से ब्रेड बॉल्स बनती नहीं हैं, और वो अच्छी तरीके से चिपकेगी नहीं, तो हो सकता है बीच में वो फट भी जाए। इसलिए आप साइड को अच्छी तरीके से हटा दीजिएगा और ब्रेड बड़ी लें। चलिए अब ब्रेड बॉल्स बना लेते हैं। ब्रेड को पानी में डाल लिया और इसको तुरंत निचोड़ लेते हैं, और पानी में भी ज़्यादा देर नहीं, तुरंत आप पानी में डालिएगा ब्रेड को और तुरंत निकाल लीजिएगा, नहीं तो ब्रेड बॉल्स बनाने में बहुत दिक्कत होगी और ब्रेड बॉल्स अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे। चलिए इसमें आलू भर लेते हैं। ध्यान रखिएगा आलू को भी कम भरें, अगर ज़्यादा आलू भर देंगे तो ब्रेड बॉल्स फटने लगेगी, इसलिए सेंकते समय ना फटे तो आप ब्रेड बॉल्स में आलू थोड़ा भरिएगा, जितना कि उसके ऊपर कवर हो सके। देखिएगा राउंड शेप ले लिया आराम से, और उंगलियों की सहायता से इसका पानी निकाल दिया और इसको आराम से राउंड शेप दे दिया मैंने। बस इसी तरीके से चारों तरफ से कवर हो जाए। चलिए दूसरी भी बना लेते हैं। ध्यान रखिएगा पानी जब तक रहेगा ये आराम से जो है गोल गोल घूम जाएगी। चलिए इसमें फिर भर लेते हैं। पानी की वजह से दिक्कत नहीं होगी, आराम से ये राउंड शेप ले लेगा। बस आलू ज़्यादा हो तो आप निकाल दीजिएगा और इसको आराम से, देखिएगा इस तरीके से उंगलियों की सहायता से आराम से इसको जो है निचोड़ लेते हैं इसका पानी, और इसको राउंड शेप दे देते हैं। आप चाहें तो आलू के मिश्रण में मटर के दाने भी डाल सकते हैं। चलिए इसी तरीके से एक एक करके सभी बना लेते हैं बॉल्स। बस इसी तरीके से मैंने राउंड शेप दे दिया,
बहुत ही क्रंची बनेगी। चलिए एक एक करके सभी बना लेते हैं। चलिए अब एक एक करके सभी ब्रेड बॉल्स सेक लेते हैं। इन्हें डीप फ्राई करते समय गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, हाई फ्लेम पर बॉल्स फटने लगती है। चलिए सभी को सेक लेते हैं। एक एक करके सभी डाल लेते हैं। सेंकते समय अगर ब्रेड बॉल्स फटने लगे तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा या अरारूट हथेली पर लगाकर इसे रोल कर लें, इससे ये फटेंगे नहीं। आप एक डालिएगा, अगर ये आपको लग रहा है कि फट रहे हैं तो आप केवल मैदा लीजिएगा या अरारूट जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप इसको हथेली पर लगाइएगा और आराम से इसको रोल कर लीजिएगा, फिर ये फटेंगे नहीं। चलिए देखिए बहुत ही अच्छे बॉल सीखे हैं। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा ज़्यादा या कम, जैसा चाहें वैसा आप सेंक सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर सेंकने से ये बहुत ही क्रंची सिकते हैं और अंदर तक सिकते हैं। चलिएगा इन्हें निकाल लिया है, अब बचे हुए भी डाल देते हैं। लगभग आलू के इस मिश्रण से 12 बॉल्स बने हैं। चलिएगा ये भी बहुत अच्छे सिक गए हैं, अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रंची है ये, देखिए बहुत ही सुंदर भी लग रहे हैं। जब भी मेहमान आए आप ज़रूर ये बनाइएगा। और इसे मैंने मीठी चटनी के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो इसे चटपटी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही परफेक्ट बॉल्स बने हुए हैं। चलिए मैं इसको काट के भी दिखा देता हूँ। देखिएगा ये आवाज़ भी कर रहे होंगे, बहुत ही क्रंची है, ऐसा लग रहा है मैंने ब्रेड के अंदर आलू भर के दिया है। बहुत ही क्रंची सीखे हुए हैं, आप ज़रूर इसे घर पे ट्राई करिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।